गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज ट्विंकल। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एंड गाइस, हमारी वीडियो आ रही थी दिल्ली की, अब ये लास्ट वीडियो है फ्रॉम दिल्ली। मतलब मैं ना हॉल पहले पार्ट वन में शूट कर चुकी हूँ। जो भी न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, सो वेलकम गाइस। और वो पार्ट वन आप देख सकते हैं, सारे इयर रिंग्स और ज्वेलरी की मैं पार्ट वन बना के रखी थी हॉल। और ये हमारा पार्ट टू है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बैग, टोट बैग एंड बोहो बैग ऑल्सो, एंड बहुत ही वेस्टर्न बैग भी एक लिया है। तो बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बैग के साथ साथ कुछ कुछ क्लोथ्स। जैसे गाइस, मैंने जो टोटल आउटफिट पहना है, ये आउटफिट टोटल 1200 की है और ये काइंड ऑफ इंडो वेस्टर्न आउटफिट है और मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो स्कर्ट नहीं मिला बट प्लाजो मिला, वो भी काफी घेर वाला, सो आई लाइक इट। और वन कलर में था, देन व्हाइट भी जनपद से लिया है, सारे चीज जनपद से है। दिस वन इज फ्रॉम गुजराती लेन, मतलब जनपद के पास ही है। ये सबसे महंगा है, ये दोनों इतने सस्ते हैं। सो ये दोनों 300, 600 की है और ये अकेली 600 की है। मैं बार्गेनिंग करके थक गई बट मुझे नहीं मिला। सो ये मैंने पिछली बार आपको नहीं दिखाया था, दिस इज द बेल्ट आई वेयर। सो या दिस इज फॉर 600 जो मैंने जनपद में लिया है और गुजराती लेन में लिया है और जस्ट एंट्री करते ही जो शॉप रहता है उसी से लिया है। ओके गाइस, सो हम चलो स्टार्ट करते हैं एक एक रिव्यू करना। ओके गाइस, आई केम विद दिस क्यूट लिटिल बैग और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये बैग। टोटली ग्रीन कलर की है और मुझे ना वन कलर की बैग चाहिए था और ये मैंने लिया है सरोजनी से। एंड गाइस, इसकी प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, सरोजनी जैसा प्राइस नहीं है 300-400 की, ये थोड़ा सा 700 की है बट इट्स माइन बेबी, बहुत क्यूट है। और इसकी जस्ट लॉक ऐसे खोलने से ये होता है हमारा और इसकी लॉन्ग जो बेल्ट है वो भी इनसाइड में है, आप देख सकते हैं दिस वन। सो या दिस वन इज द फर्स्ट बैग जो बहुत ही प्रिटी सा है और इसकी प्राइस मैंने बता दिया है 700। सो या उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो टोट बैग। बाय द वे, ये मेरे रिलेटिव्स के लिए है, मेरी स्पेशल बहन के लिए है, नहीं ये मेरी मौसी के लिए है और एक मेरी बहन के लिए भी मैं लाई हुई हूँ। सो या दिस इज फॉर मी एंड दिस इज फॉर माई मौसी, बहुत प्यारी मौसी, आई लव यू। और मैंने बहुत ही, मतलब वैसे तो इतना खूबसूरत खूबसूरत टोट बैग था बट मुझे ना ये बस एक डिसेंट सा चाहिए था। एज माई प्रोफेशन इट्स नीड एक डिसेंट सा बैग और ऑल्सो मेरी मौसी के लिए कोई वर्की वगैरह नहीं ला सकती हूँ, तो इसके लिए मैंने ना उनके लिए बहुत ही प्यारा सा ये वाला कलर का लिया है। काफी अच्छा जो डिजाइन है ना, मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लगा। मतलब वैसे भी मौसी को थोड़ा सा ग्रीन कलर से बहुत प्यार है तो मैंने सोचा चलो ग्रीन वाला दे देते हैं। और ये काफी अच्छी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो ऐसे लेके आप देख सकते हैं। दिस वन इज द लुक एंड आई लव इट। और प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, दिस आर बताना नहीं चाहिए बट बता देती हूँ, मौसी देखेगी तो। बट दिस वन इज फॉर 400, 600 के बोल रहे थे तो मैंने बहुत ज्यादा बार्गेनिंग किया, उसके बाद 400। हाँ गाइस, आप सस्ते में ले सकते हैं बट डोंट जज इट क्योंकि मैं थक गई बार्गेनिंग करके। ओके गाइस, दिस वन इज द माइन और ये मेरा है। काफी अच्छा है, जैसे जो ब्रांडेड बैग है उस तरीके के, उधर ना बहुत सारे ब्रांडेड की जो जस्ट कॉपी मिल रहा था, मुझे वैसा बैग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है चलो डिजाइन कॉपी कर रहे हो पर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो कॉपी नहीं होना चाहिए। सो या दिस इज द टू टोट बैग, बहुत ही अच्छा है, स्पेस इनकी बहुत काफी अच्छी है, मैंने कुछ कुछ रखा हुआ है। चेन भी दो फोल्ड में है और ज्यादा कुछ नहीं है, आप एक लैपटॉप भी आ जाएगा, वाटर बॉटल भी आ जाएगा, काफी स्पेस है। बाय द दिस वन इज द अनदर टोट बैग बट ये मेरी बहन की है और उस वीडियो कॉल करवा के मुझे बहुत परेशान करके ये लिया है। सो हाँ, ये बहुत अच्छा है, हाँ उसे पसंद है बट मुझे इस टाइप ऑफ जो लिखा हुआ रहता है मुझे पसंद नहीं आता है, बट चलो उसकी पसंद में उसकी खुशी है, उसकी बैग है तो हाँ ये आपके साथ। बट प्राइस आपको शेयर नहीं करूंगी, आप अंदाजा लगा लो क्योंकि ऐसे उसका जितना प्राइस होगा उसका भी इसका भी आसपास में होगा, थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि इसकी थोड़ी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी है। सो या इसकी भी स्पेस आप देख सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं निकाला है, एक बीच में ऊपर से एक पॉकेट दिया गया है इधर और इधर ऑल्सो स्पेस है, तो इसकी थ्री कंपार्टमेंट है।
सो हाँ गाइस, ऑलरेडी मैंने जितना भी बैग दिखाया ना वो सारे सरोजनी के से है और बहुत ही अच्छा था. और मुझे सरोजनी से एक पिंक बैग चाहिए था बट मिली नहीं. और भी एक बैग बाकी है, टोट बैग, मैं लास्ट में दिखाने वाली हूँ. उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेंटा दिस बैग. और ये बहुत ही बड़ा बैग है और मैंने ये बैग लिया था हमारी बंजारा मार्केट से, क्योंकि उधर की चीजें बहुत सारे थे और मुझे ये बैग काफी पसंद आया. बहुत ही प्यारा सा है, आप गेस कीजिए कितना प्राइस हो सकता है. ओनली फॉर 200 गाइस, इवन दो लाइक 150 में रेडी थे और मैं इतनी बुद्धू हूं ना, मैंने बोल दिया हाँ 200. उसके बाद जो रिग्रेट होता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, दिल्ली से आने के बाद भी मुझे रिग्रेट ही हो रहा है कि हाँ 200. बाय द वे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा टैसल लगा हुआ है और इसमें ना काफी, आपको भी मैं मोड़ मार के डाल सकती हूँ, इस तरह स्पेस है. इसमें कोई भी चेन्स वगैरह नहीं है, लाइक दिस आप देख सकते हैं. सो हाँ, इसको थोड़ा सा ना फिनिशिंग की बहुत जरूरत है. बाय द वे ये पूरा सारे जैसे अकड़म बकड़म होके पड़ा हुआ है, इसे एक बार मुझे प्रॉपरली सही करना है, दैट्स इट. और दिस इज माई हार्ट, मतलब ये मेरे सबसे बेस्ट बैग है. और जो मेरे पहला शॉपिंग किया था दिल्ली का, दिस वन इज द मेन, मतलब अट्रैक्शन वो बोल सकती हूँ. ये इतनी खूबसूरत है गाइस, मैं इसको इतनी प्यार से रखी हूँ, तब से ना किसी को नहीं दिखाती हूँ, इतनी खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है. और ये आउटफिट के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है, लेट मी शो यू. सो दिस वन, दिस इज द बंजारा बैग. और गाइस इसमें ना कच वर्क है और ये बहुत महंगी है, गाइस. मेरी आंसू भी निकल सकती है, इतनी महंगी है गाइस. 3000 की है, 2800 की है, बार्गेनिंग करके गाइस मैं थक गई. 4500 लास्ट में आके मैं चली गई, दो बार चली गई, उसके बाद में भी मुझे मिली नहीं इतना. मुझे बहुत सारे देखी, मुझे पता है 1500 में भी मिल रही थी, बट स्टिल मुझे यही पसंद आया. और मुझे जो पसंद आ जाती है, मतलब मैं मर भी जाऊं मैं वही लेके रहती हूँ. तो हाँ, इसी के वजह से मैं थोड़ा दुख भी हूं, पर मुझे ये बहुत पसंद है. मैं तो आपको दिखा रही हूँ इसकी पट्टी, देखिए इतना सुंदर है. इसकी ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं है और बैक साइड ऐसा है और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक चेन है. काफी खूबसूरत है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल मुझे बहुत पसंद आया. और बाय द वे, ऑल थैंक्स टू माय बेस्ट फ्रेंड, सी मतलब उसी ने ही ढूंढा था ये बैग और मुझे बहुत पसंद आया. आई लव यू देवा. सो या, सो उसी की वजह से मेरी ट्रिप ही अच्छी रही. पता नहीं कितने बार थैंक यू बोलू, कोई कभी बेस्ट फ्रेंड को थैंक यू बोलते भी है? मैं बोल दिया ज्यादा. ओके, दिस वन इज माई फेवरेट वन. और मैंने आपको प्राइस भी बता दिया और ये मैंने गुजराती लेन से लिया है और वो वीडियो भी होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इसी जगह पे. सो या, सो गाइस, जो आजकल फैशन में है वो है टोट बैग और मैंने दो लेके आई हूँ, वो भी सरोजनी नगर से. दिस प्राइस इज 250 रुपीज. बहुत ही क्यूट है, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा है. एक की बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है, एस्थेटिक वाला है, और एक की बहुत ही क्वर्की पिंक कलर के ऊपर येलो कलर की डिजाइन है और बहुत ही प्यारा सा कार्टून भी है. सो हाँ, ये भी मेरा फेवरेट है उसके बाद ऑब्वियसली. सो हाँ, सो गाइस, बैक हो गई है और अभी जो भी बाकी है वो भी क्लोथ्स. और मैं एक आपको दिखाने वाली हूँ, दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स आई रियली लाइक टू वेयर इन होम. सो ये बहुत ही प्रिटी सा है और गाइस ये ओनली 150 रुपीज की है. मतलब पहले तो 180 रुपीज के बोले तो मैंने भी थोड़ा सा एटीट्यूड में बोली ओके हम, मैं चली जाती हूँ, आप नहीं लेना है मुझे. और फाइनली मुझे बुलाए, मैंने बोला हाँ चलो दे दो 150 रुपीज में, तो मिल गया ये. तो उसके बाद गाइस मैं जो आपको शेयर करने वाली हूँ ओनली फॉर 80 रुपीज में, बहुत ही प्यारा सा टॉप गाइस, वो मुझे सरोजनी नगर से मिला, बहुत खूबसूरत है और ओनली फॉर 80 रुपीज. मतलब आप भरोसा भी कर सकते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस, बहुत ही प्यारा कलर भी है. तो हाँ, 80 रुपीज में मिला. सो उसके बाद गाइस मैं जनपद से एक ली हूँ, ये स्टॉल जस्ट 100 रुपीज की है, बहुत ही अच्छा है, एलिगेंट है. चलो थोड़ा लगा के भी देख लेते हैं इफ मैं लगाना चाहूंगी. सो ऐसा दिखेगा बट अभी ही मैं लगाना नहीं चाहती हूँ. सो इट्स 100 रुपीज. देन गाइस मैंने ना मेरी एक बहन के लिए सेट लिया है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लगा, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट आपको दिखाऊं तो. सो हियर इज द, और इसकी प्राइस है सम नहीं बताना चाहती हूँ, बट 600-650 रुपीज की है.
ये है पैंट और उसकी ऊपर टॉप बहुत ही सिंपल सा है, मुझे बहुत बाय द वे सिंपल बहुत अच्छा लगता है। दिस वन बहुत ही अच्छी दिख रही थी तो मैंने ले लिया। और उसके बाद गाइस मैंने अपने लिए क्या लिया है, अपने लिए गाइस मैंने ये पैंट लिया है। पता नहीं ये मटेरियल क्या है बट आई रियली लव इट, ये समर के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है इसमें। और इसकी टॉप भी मिल रही थी, काफ़ी महंगी थी टॉप, मतलब ये तो 400 की थी तो वो भी समथिंग फोर, मैं ऑलरेडी बजट से आउट ऑफ बजट हो गई थी क्योंकि वो जो बैग ली थी आपको मैं दिखा रही थी थोड़ी देर पहले, वो मेरा सारे खून जैसा पैसा सारे चूस लिए थे, तो हाँ उसकी टॉप नहीं खरीद पाई, बहुत रिग्रेट करती हूँ गाइस। कोई दिल्ली से हो तो सीरियसली। फिर ये पैंट ली थी, बहुत ही अच्छा है, मैंने ऑलरेडी 2-3 बार पहन चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा है। फोटो होगा तो मैंने अब साइड में लगा दूंगी। और उसके साथ साथ मैंने एक जैसे ये वाला लिया था जनपद से, और जनपद से ये वाला भी जारा की ऐसे मिलती है फ्लोरल प्रिंट में, मतलब समरी कलेक्शन में मिल रहा था, जनपद में मिल रहा था, और इसकी प्राइस है 400 रुपीज। बहुत ही सिंपल सा है और मैंने ये पूरा पहन के सरोजनी घुमा था, और बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन मटेरियल की है, बहुत कंफर्टेबल है ये भी और ये भी, और इसकी प्राइस भी 400 है, इसकी भी 400 है। मुझे ना गाइस जनपद बहुत अच्छा लगा वेस्टर्न कलेक्शन के लिए, एंड सरोजनी तो अच्छी है, मतलब सरोजनी ये चीजें अच्छी मिल जाती है, क्वालिटी आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, बट आई लव गुजराती मार्केट, बहुत सारे बहुत चीजें मिलती है। और हाँ गाइस काश मैं दिल्ली से होती बट ठीक है। सो दिस ऑल द थिंग्स आई बॉट फ्रॉम दिल्ली, पार्ट 2 भी खत्म हो गई, अब मुझे आपको बैंगलोर की चीजें दिखाना पड़ेगा। सो या गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट ऑल्सो। सो बाय बाय।